तो देखिए कल नोएडा में भ्रष्टाचार का ट्विन टावर जमींदोज कर दिया गया। हम आपको ट्विन टावर गिराए जाने के अलग अलग एंगल से तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए कैसे महज 12 सेकंड में 103 मीटर ऊंची इमारत जमींदोज कर दी गई। तस्वीरें आप देखिए, हर एक कैमरे के एंगल से हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। ट्विन टावर को जब डिमोलिश किया गया, कैसे महज 12 सेकंड में 103 मीटर ऊंची इमारत जमींदोज कर दी गई। तो ट्विन टावर ध्वस्त होने के बाद मलबा हटाने का काम शुरू हो गया। ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ध्रुव। जहां पर कुतुब मीनार से भी ऊंची इमारत को ढहा दिया गया था, उसमें 80,000 टन से ज्यादा का मलबा रह गया है। उस मलबे को उठाने के लिए आप देखिए किस तरीके से जेसीबीज यहां पर आई हैं। ये क्रेन्स जो है इनको निकालने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि प्लेन सरफेस है और इस प्लेन सरफेस में निकालने के लिए आप इनके नीचे देखिए कि टायर लगा करके यहाँ पर जो है इनको निकाला जा रहा है, क्योंकि जो अंदर पहुंचाना काफी मुश्किल काम है। बेसिकली ये जो है मिट्टी वाले एरिया में चलती हैं, पहाड़ी एरिया में जो है ये लोग काम करते हैं। अब यहाँ क्योंकि देखिए जो सीमेंटेड आरसीसी की रोड है, इस आरसीसी की रोड पे इनको चलना काफी मुश्किल हो रहा है, तो इस तरीके से टायर लगा करके अंदर की तरफ भेजा जा रहा है। काफी ज्यादा मलबा है, धूल है, डस्ट जमी हुई है, इसमें लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। आप देखिए कि किस तरीके से पीछे की तरफ यहीं पर वो बिल्डिंग है और यहाँ ये जेसीबी जो है आनी शुरू हो गई है। पीछे की तरफ दिखाएंगे एक दूसरी जेसीबी मशीन है, वो भी यहाँ पर आनी शुरू हो गई है। इस मशीन के जरिए जो है यहाँ पर जितना मलबा जो अंदर पे जमा है, करीब 80,000 टन से ज्यादा बताया जा रहा है, उस मलबे को यहाँ पर निकाला जाएगा। इनको निकालने में भी, इन क्रेन्स को निकालने में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि नीचे जो है जो समतल जमीन है और आरसीसी की रोड है, इस आरसीसी की रोड पर इनमें चलने में दिक्कत है, क्योंकि पहुंच नहीं पा रही हैं। तब जाकर टायर लगाकर, टायर का सहारा लेकर के जो है इनको अंदर पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि क्योंकि काफी बड़े बड़ा जो लेंटर है, जो मजबूत पिलर्स हैं, उनको तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। उनको तोड़ करके उनको, क्योंकि और काफी वजनी है, वजन ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं उनको छोटा करके तब जाकर के वो मलबा यहाँ से हटाया जाएगा। कैमरा पर्सन वरुण चौहान के साथ ध्रुव मिश्रा, एबीपी न्यूज नोएडा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।